हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश जोशी आज का वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज। इस चैप्टर में पूरा हमने पढ़ लिया कि फार्मर किस तरह से सीड ग्रो करता है और उसे फसल प्राप्त करता है। फसल प्राप्त करने के बाद में जब उसको क्रॉप मिल जाती है उसके बाद में करना क्या, उस क्रॉप के सीड को अलग करना है। सीड को अलग करने के बाद में अब उन सीड्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनको रखा अपने घर में या फिर किसी स्टोरेज में रखना है, किस तरीके से या फिर दूर लोगों तक उन सीड्स को, उस स्पेसिफिक टाइप के क्रॉप को पहुंचाना है। स्टोरेज है, स्टोरेज का मीन्स होता है प्रोटेक्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रॉप इन अ सर्टेन प्लेस और अ सर्टेन वेज, उस निश्चित तरीके से निश्चित जगह पर उसी क्रॉप को रखना क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। स्टोरेज के लिए अब जब सीड अलग कर लिए हैं, ग्रेन्स को अलग कर लिया है, उसमें उसके बाद में उन ग्रेन्स का करना क्या है, क्या ध्यान रखना है हमें। फर्स्ट है अवे फ्रॉम मॉइस्चर, जो सीड्स है वो क्या हो, मॉइस्चर से दूर, नमी नहीं लगे उनको। अगर उन सीड्स को मॉइस्चर लगेगा तो दूसरे जो इंसेक्ट है पेड्स है वो उससे कॉन्टेक्ट में आएंगे और वो उनको डेमेज कर देंगे। इसलिए हमेशा सीड को स्टोरेज करने से पहले उसको एक प्रॉपर सनलाइट मिले ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर है नमी है वो हट जाए और वो ड्राइड हो जाए, सूख जाए। सेकंड पॉइंट लेते हम सेफ फ्रॉम रेन, जो सीड्स हमने कलेक्ट किए हैं उसके बाद में उनको ऐसी जगह पे रखे जहां पर अगर बारिश आए, रेन हो, बारिश हो, तो बारिश से उनको कोई नुकसान नहीं हो, सीड खराब ना। थर्ड पॉइंट है अपने पास में प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट एंड द बर्ड्स, क्रॉप है जो सीड है उनको एक ऐसे जगह पर रखे जाए जहां पर वो पेस्ट के कांटेक्ट में नहीं आए, जैसे चूहे वगैरह हैं तो छोटे इंसेक्ट है उनके कांटेक्ट में नहीं आए, बर्ड्स भी उनको हार्म नहीं कर पाए। फोर्थ पॉइंट है अपने पास में एयर टाइट गोडाउन इन अ प्रॉपर बैग्स, एक उन ग्रेन्स को एक बैग में रखा जाए और बैग ऐसा हो एयर टाइट हो और एक गोडाउन में रखा जाए जहां पर गोडाउन में रेन का या फिर दूसरी जो पेड्स है उनसे अवे हो और एयर टाइट हो गोडाउन, ताकि उसमें उन क्रॉप को जो ग्रेन हमने कलेक्ट किए हैं उसको कोई किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो इस तरीके से स्टोर किया जाता है, जिन जगह पर लार्ज स्केल में इन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उन्हें कहते हैं सिलोज, सिलोज कहते हैं या फिर ग्रेनरीज भी कहते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज, ग्रेनरी या सिलोज में हम लार्ज स्केल में ग्रेन्स को कलेक्ट करते हैं। अब है फूड फ्रॉम एनिमल, हमें एनिमल से क्या फूड मिलता है, हमने प्लांट से जो फूड था अब एनिमल से फूड क्या मिलता है, एनिमल से जो फूड, जैसे हम बात करें एग की, एक एनिमल का फ्रूट है एग है जो हमें हैंस से मिलता है, फिर दूध से भी कुछ बर्ड होते हैं, मोस्टली जो यूज किया जाता है वो हैन एग यूज करते हैं। मिल्क की बात करें, मिल्क एक प्रोडक्ट है जो हमें काउ से बफेलो से मिलता है, और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हमें एनिमल से मिलता है। इन एनिमल से मिलने वाले फूड को हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब सबसे फर्स्ट हम बात करें फूड के एनिमल में, अपना जैसे टॉपिक है डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन यानी डोमेस्टिक, डोमेस्टिकेशन वर्ड बना है डोमेस्टिक से, और डोमेस्टिक का मीन्स हमें पता है घरेलू, यानी घर में रखने वाली, घर में जो चीज हम घर में रखते हैं उन्हें कहते हैं डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिकेशन यानी कीपिंग ऑफ एनिमल फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, कीप यानी रखे हैं इसको एनिमल को कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए, कुछ विशेष कार्यों के लिए एनिमल को अपने घर पे रखना या कुछ स्पेसिफिक प्लेस पे रखना अपने लिए, कोई जिसमें हमारा क्या हो, कोई मुख्य उद्देश्य हो उसके लिए एनिमल को रखे तो वो कहलाता है डोमेस्टिकेशन। जैसे सपोज अपने हमने घर पे गाय रखी तो इसका मीन्स क्या है, कुछ हमारा स्पेसिफिक रीजन है ताकि हमें उससे मिले दूध, मिले दही, बने उससे घी मिले, या फिर हम हैन को रखे घर पे तो हैन को रखने का मेन पर्पज क्या है कि हैन से हमें क्या मिले, एग मिले,
या फिर मीट के लिए भी हम हैंग का यूज कर सकते हैं। तो डोमेस्टिकेशन का मीन्स हो गया कि एनिमल को हम किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखते हैं तो वो प्रोसेस का कहलाता है, डोमेस्टिकेशन कहलाता है। सेकेंड जो अपना टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द रेयरिंग ऑफ एनिमल, यानी एग्रीकल्चर की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है रेयरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल को रेयर करना, एनिमल को पालन करना, यानी कोई किसान है वो खेती कर रहा है, खेती के साथ में वो एनिमल को भी रख रहा है, तो वो क्या हो गया रेयरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल को अपने पास में रखना। जैसे इसके एग्जांपल है मिल्क है, एग है, मीट है, इन पर्पज के लिए एनिमल हस्बेंड्री की जाती है। बहुत अधिक उत्पादन हो, अगर गाय या भैंस रखें तो बहुत अधिक उत्पादन हो मिल्क का, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं आगे। तो एग्रीकल्चर की क्या होगी, एक तरह से ब्रांच हो गए। इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से बुक में पढ़ेंगे। तो अभी हमने स्टोरेज और फूड फ्रॉम एनिमल के बारे में पढ़ा था, समझा हमने। अब इनके बारे में डिटेल से बुक के थ्रू रीड करते हैं। फर्स्ट अपना जो पॉइंट है आज का वो है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद में द क्रॉप प्रोड्यूस हैज टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली, जो क्रॉप मिली है हमें उन्हें स्टोर करना जरूरी है। केयर मस्ट बी टेकन दैट द ग्रेन आर केप्ट, इस तरीके से हम उनकी केयर कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे पॉइंट लेते हैं हम अवे फ्रॉम मॉइस्चर, ये जो ग्रेन है वो मॉइस्चर नमी से दूरी बनाए रखें, इनको नमी नहीं हो, उनको धूप में सुखाएं एक बार। सेव फ्रॉम रेन, बारिश से बचाएं इनको। थर्ड पॉइंट है अपना प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैट्स एंड द बर्ड्स, पैट्स से या बर्ड्स से इनको बचाया जाए। और फोर्थ पॉइंट है इसका इन एयर टाइट गोडाउन, इट प्रॉपर बैग्स फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, एयर टाइट गोडाउन में इनको रखा जाए ताकि इजीली इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके और ये डेमेज नहीं हो। द फ्रेश क्रॉप प्रोड्यूस हैज टू द मॉइस्चर, जो फ्रेश जो क्रॉप होती है अभी तुरंत में जो मूली क्रॉप है वो उसमें क्या होता है मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मीन्स नमी होती है। दिस मॉइस्चर कॉन्टेंट हैज टू रिड्यूस द ड्राइंग, इस मॉइस्चर को हम रिड्यूस कम किसके थ्रू कर सकते हैं, ड्राइंग, सूखा करके। ड्राइंग वाइल रिड्यूसिंग कॉन्टेंट हैज टू द रिड्यूस बाय ड्राइंग द मॉइस्चर कॉन्टेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रेशली बाय हार्वेस्टेड द ग्रेन फ्रॉम द अटैक ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म, जब मॉइस्चर को हम हटाते हैं उसके साथ पे प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट उनको बचाना भी जरूरी है। द फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन, जो हमने ग्रेन को हार्वेस्ट किया है अभी नाउ प्रेजेंट टाइम में, फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म से उनको बचाना जरूरी है। थस इस प्रकार स्पॉलेज ऑफ अ ग्रेन इज प्रिवेंटेड, जो ग्रेन है वो स्पॉल नहीं होगी, उसको स्पॉल से बचा सकते हैं। इन एडिशन इसके साथ ही स्टोर्ड प्रोडक्ट आर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ डेमेज बाय रैट्स एंड इंसेक्ट, जो स्टोर किया है हमने, जो प्रोडक्ट हमने अलग किया है उनको स्टोर करा, उस स्टोर किए प्रोडक्ट को रैट्स से, चूहों से या फिर दूसरे जो भी इंसेक्ट है उनसे बचाना जरूरी है। इन आर कंट्री डेमेज बाय द सच द ऑर्गेनिज्म इज द एज हाई एज 25% ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में डेमेज ऑफ सच क्रॉप, इस तरह की जो क्रॉप होती है जैसे जो ऑर्गेनिज्म से होती है वो लगभग 25% क्रॉप जो प्रोड्यूस होती है वो इस तरीके से डेमेज हो जाती है। दिस देयर फॉर मेक द प्रॉपर स्टोरेज, इस प्रकार हमें ये ध्यान रखना है कि उसको प्रॉपर क्या किया जाए, स्टोर किया जाए। जैसे यहाँ स्टोरेज बिन का डायग्राम दे रखा है कि इस तरह के बिन में उनको रख करके स्टोर कर सकते हैं ताकि पेड़ से वो उनको खराब नहीं करे। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ आवर फूड मटेरियल ग्रेट नेसेसरी, यानी इन फूड मटेरियल को स्टोर करना की बहुत क्या है, जरूरत है, आवश्यकता है। इन आवर कंट्री फार्मर स्टोर द फूड ग्रेन इन अ जूट बैग, हमारे कंट्री में जो फार्मर है वो जूट के बैग में इनको स्टोर करता है, या फिर मेटेलिक स्टोरेज बिन होते हैं, बड़े बड़े मेटल के डिब्बे होते हैं उनके अंदर स्टोर करता है, जिसका डायग्राम मेटल बिन का ये डायग्राम दे रखा है ऊपर। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज डन इन अ सिलोज ऑफ द ग्रेनरीज, लार्ज नंबर में अगर बहुत अधिक मात्रा में जो ग्रेन है उनको स्टोर करना है तो हम उनको सिलोज में या ग्रेनरी होती है वहां पर हम उन्हें स्टोर करते हैं। अब है
फूड फ्रॉम एनिमल। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से हमें क्या क्या फूड मिलता है। मैन हैज बीन कीपिंग एनिमल सिंस द इमॉर्टियल, मैन एनिमल्स को रख रहा है बहुत ही लंबे पुराने टाइम से। वी कीप सम एनिमल्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पज फॉर इंटेंस मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम द कैटल्स। हम एनिमल्स को रख रहे हैं बहुत कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए, कुछ उद्देश्य होता है एनिमल को रखने के लिए। जैसे हम मिल्क और मिल्क का जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें कैटल से मिलता है। हॉर्सेज कैमल एंड बलॉक्स आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। हॉर्स का घोड़े है या फिर ऊंट है या फिर बुलॉक बैल है, उनका हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ब्लॉक आर आल्सो यूज इन एग्रीकल्चर, ब्लॉक का यूज एग्रीकल्चर खेती में भी किया जाता है। कैटल डंग इज यूज्ड एज मैन्योर, कैटल डंग का हम यूज करते हैं मैन्योर में, मैन्योर उर्वरक के रूप में यूज करते हैं। आल्सो एनिमल स्किन इज यूटिलाइज फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ लेदर गुड्स। एनिमल की जो स्किन है उसका हम यूज करते हैं लेदर के जो गुड्स होते हैं प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनके लिए। शिप आर यूज फॉर द वूल एंड द मीट, शिप का यूज करते हैं वूल और मीट के लिए। डॉग का यूज करते हैं, डॉग है शुड बी यूज्ड बाय मैन फॉर द वैरायटी ऑफ द पर्पस लाइक सिक्योरिटी एज अ कंपनी एज अ पेट, पेट के रूप में भी वो यूज करता है, उसके साथ में सिक्योरिटी के रूप में भी डॉग का यूज करता है। जस्ट एज द फूड क्रॉप आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सिमिलरली द फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। जिस तरीके से जो फूड है हमें मिलता है प्लांट से, उसी तरह फूड हमें एनिमल से भी मिलता है। एनिमल दैट गिव अस मिल्क, एनिमल से हमें मिल्क है, एग है और मीट, ये सब चीजें मिलती है जो हम अपने देखरेख में इनका यूज करते हैं। फिश आर आस एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड फॉर अस, फिश का भी हम यूज करते हैं फूड के सोर्सेज के लिए। द कीपिंग ऑफ द एनिमल फॉर द स्पेसिफिक पर्पज नॉन एज अ डेमोस्टिकेशन। कीपिंग ऑफ एनिमल, एनिमल को रखना फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक पर्पज के लिए उसे क्या कहते हैं, डेमोस्टिकेशन कहा जाता है। यानी एनिमल को अगर हम अपने पास में रखते हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए रखते हैं उसे डेमोस्टिकेटिंग कहते हैं। और डोमेस्टिक यूजफुल एनिमल कंस्टिट्यूट लाइव स्टॉक, जितने हर तरीके जो एनिमल होते हैं यूजफुल वो हम अपने जरूरत के लिए हम उसका यूज करते हैं। जैसे कैटल है, बफेलो है, सीप है, पिग है या कैमिगल है, कैमल है, वो सभी, उन सभी का हम यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द लाइव स्टॉक वेल्थ ऑफ द कंट्री, ये हमारे कंट्री की क्या एक तरह से वेल्थ है। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील विद द रेयरिंग ऑफ एनिमल इज नॉन एज अ एनिमल हस्बेंड्री। एक एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, किसके बारे में, रेयरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल को रेयर करना, पालन करना, उसको अपने पास में रखना, वो क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी यूजफुल फॉर टू हेल्प अस, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में नॉलेज रखना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ताकि इंक्रीज की जा सके, मिल्क की प्रोडक्शन हो, एग की प्रोडक्शन, मीट, वूल या लेदर, ये सभी इन प्रोडक्ट की क्या की जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकते। तो इसके साथ ही अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।